हेलो फ्रेंड वेलकम बैक इन माई चैनल आज की वीडियो में हम इस डिजाइनर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने ये मलाई सिल्क फैब्रिक लिया हुआ है और ये फैब्रिक मैंने टू पॉइंट फाइव मीटर लिया हुआ है और इसके साथ ही जो मैंने लाइनिंग ली है वो सिर्फ मैं टॉप पार्ट में यूज़ करूंगी लाइनिंग के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो कॉटन फैब्रिक है और ये हाफ मीटर मैंने लिया हुआ है आप चाहे तो पूरी ड्रेस में लगाएं उसके लिए आप 2.5 मीटर लाइनिंग लेंगे मैंने सिर्फ हाफ मीटर लिया है टॉप पार्ट के लिए इसमें सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे तो फैब्रिक विथ में फोर फोल्ड है यहाँ से देखिए कपड़े को बराबर कर लेंगे एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं उसके बाद हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे अब यहाँ से इसकी हम लेंथ मार्क करेंगे तो लेंथ के लिए मैं यहाँ पे फिफ्टीन इंच मार्क करूँगी यहाँ पे फिफ्टीन इंच पे निशान बना लेंगे इस तरह से अभी देखिए हमें सबसे पहले शोल्डर मार्क करना होता है तो शोल्डर मैं अभी मार्क नहीं करूँगी शोल्डर मार्किंग का बहुत ही आसान फार्मूला मैं आपको बताऊँगी तो इसके लिए सबसे पहले आपको आर्म होल मार्क करनी है आर्म होल कितनी लेनी है जितना आप नॉर्मल कुर्ती की कटिंग में लेते हैं उसे हाफ इंच कम करके लेना है जैसे सिक्स पॉइंट फाइव इंच में नॉर्मल कुर्ती में लूँगी तो यहाँ पे मैंने सिक्स इंच लिया हुआ है हाफ इंच कम लिया है अब यहाँ से देखिए एक सीधी लाइन बना लेते हैं और चेस्ट मार्क करेंगे तो मैं इसे थर्टी फोर चेस्ट का बना रही हूँ उसका वन फोर्थ होता है एट पॉइंट फाइव इंच आप जिस भी साइज का बना रहे हैं उसका चौथाई हिस्सा मार्क कर लीजिए तो एट पॉइंट फाइव इंच होगा और जितना भी बचता है मेरा यहाँ पे टू इंच बच रहा है वो हमारा मार्जिन हो जाएगा मार्जिन एक से डेढ़ इंच या दो इंच आप रख सकते हैं अब यहाँ पे वेस्ट के लिए देखिए मैं ट्वेंटी एट वेस्ट साइज के लिए बना रही हूँ तो उसका वन फोर सेवन इंच मार्जिन यहाँ भी हम दो इंच लेंगे जितना हमने चेस्ट में मार्जिन लिया है वेस्ट में भी हमें उतना ही मार्जिन लेना है अब यहाँ से देखिए हम स्ट्रिप के लिए शोल्डर कैसे मार्क करेंगे जितनी भी चेस्ट साइज है ठीक उसका हाफ़ कर लेना है जैसे मैंने यहाँ पे एट पॉइंट फाइव इंच लिया है तो उसका हाफ़ कर लेंगे यहाँ पे और ये हमारा सोल्डर हो जाएगा किसी भी साइज़ के लिए जो भी आपकी चेस्ट साइज़ है उसका हाफ़ कर लेना है इस तरह से ये हमारा फोर पॉइंट फाइव इंच आ रहा है तो यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे यहाँ पे हमारी स्ट्रिप आएगी तो इस तरह से इस मेजरमेंट लगाने से आपकी स्ट्रिप नीचे की साइड नहीं गिरेगी कंधे से और इसके बाद यहाँ से देखिए हम टू इंच पे मार्क कर लेंगे इसके बाद इस तरह सेप हम मार्क करेंगे और अभी हम नेक मार्क कर लेंगे तो जितना भी डीप आप रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग मार्क करें मैं यहाँ पे सिक्स इंच मार्क करूँगी और इस तरह से नेक की सेप मार्क कर लेंगे आप इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और इसके बाद ये देखिए स्ट्रिप जो हमारी आएगी यहाँ पे ही वो सवा चार इंच की आएगी एक साइड से तो ये स्ट्रिप की जो लेंथ है वो आपको मार्क करके रखनी है याद करके सवा चार इंच की आ रही है तो जो टोटल स्ट्रिप हम लेंगे वो देखिए इस तरह से आएगी ये टोटल साढ़े आठ इंच की स्ट्रिप आएगी अभी हम इसे कट कर लेंगे इसी निशान पे तो उस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है अभी आप चाहें तो सेम इसी तरह से फ्रंट और बैक के पार्ट बना सकते हैं लेकिन मैं बैक का पार्ट पीछे से स्ट्रेट रखूँगी तो उसके लिए क्या करना है ये जो लाइन हमने बनाई थी ये वाली यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे ठीक इसी लाइन के ऊपर कट कर लेंगे तो ये बैक से जो नेक है वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी स्ट्रिप और अब इसकी कटिंग हम मेन फैब्रिक पे करेंगे तो मेन फैब्रिक को हम खोल के सिंगल लेयर में बिछा के रखेंगे इस तरह से और लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे पिन से फिक्स कर लेंगे जिससे ये कटिंग करने में इधर उधर ना खिसके। इस तरह से कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके बाद लाइनिंग के नाप की हम मेन फैब्रिक कट कर लेंगे तो इस तरह से मैंने ये टॉप पार्ट कट कर लिया है फ्रंट और बैक का इसके बाद देखिए हम इसका बॉटम कट करेंगे तो जितना भी बचा हुआ फ़ैब्रिक है उसको डबल में हम फोल्ड करके रखेंगे लेंथ वाइज मैंने फ़ोल्ड कर लिया है अभी हम इसे ट्रायंगल सेप में फ़ोल्ड करेंगे तो इस तरह से हम इसे बिछा लेंगे और इसे ट्रायंगल सेप में फ़ोल्ड कर लेंगे अभी यहाँ कॉर्नर पे हम वेस्ट मार्क करेंगे तो 28 वेस्ट साइज़ के लिए मैं इसमें 7.5 इंच मार्क करूँगी और यहाँ से देखिए यहाँ पे जितना भी आ रहा है यहाँ 10 इंच आ रहा है तो 10 इंच को हम गोलाई में मार्क कर लेंगे गोलाई में हम इसलिए मार्क करेंगे जिससे कि घेर की जो लेंथ है और गोलाई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है तो इस तरह से हम गोलाई में मार्क कर लेंगे आपको आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग मार्क करना है तो जिस भी चेस्ट साइज का आप बना रहे हैं उसका चौथाई हिस्सा ले लीजिए और उसमें हाफ इंच या पौना इंच मार्जिन ले लीजिए मैं इसमें हाफ इंच ही मार्जिन लेती हूँ ऊपर की साइड 14 इंच देखिए मैं छोड़ रही हूँ और इसके बाद इसकी हम टोटल लेंथ मार्क करेंगे जितनी भी तैयार लेंथ चाहिए उससे करीब एक से डेढ़ इंच एक्स्ट्रा मार्क करें तो यहाँ से वेस्ट से जो इसकी लेंथ है वो थर्टी थ्री इंच आ रही है और टोटल जो मैंने लेंथ ली है वो फोर्टी सेवन इंच की ली है जो बनने के बाद फोर्टी सिक्स इंच की रेडी होगी इस तरह से गुलाई में हम मार्क कर लेंगे वेस्ट से मैं इसे गुलाई दे रही हूँ और इस तरह से मार्क करने के बाद इसे निशान पे हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से हमने इसे कट कर लिया बॉटम इसका इसके बाद देखिए ये मैंने स्ट्रिप ली है ये दो स्ट्रिप्स हैं दोनों साइड्स के लिए लेंथ मैंने इसकी 11.5 इंच ली है डबल में ये साढ़े आठ इंच आ रहा था और एक इंच का मार्जिन लेंगे और साथ ही दो इंच बैक में हम एक्स्ट्रा लेंगे स्ट्रिप के लिए अभी स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से ये मैंने स्ट्रिप्स बना ली हैं अभी हम इसे अटैच करेंगे टॉप पार्ट के साथ तो सबसे पहले यहाँ देखिए जहाँ हमें स्ट्रिप अटैच करनी है वो निशान लगा लेते हैं तो इस तरह से ये मैंने बैक में निशान लगा लिया यहाँ पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे और कपड़े की जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की साइड है यहाँ पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है तो स्ट्रिप को इस तरह से रखते हुए अभी हम इसे यहाँ पे पिन से फिक्स कर लेते हैं इस तरह से दूसरी साइड की भी स्ट्रिप को इसी तरह से यहाँ रखते हुए पिन से फिक्स कर लेते हैं उसके बाद यहाँ सीधा हम एक सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ से देखिए अब इसे टर्न कर लेंगे तो उसकी सीधी साइड अब ऊपर की साइड आ जाएगी ये देखिए ये इसकी सीधी साइड है इसके बाद इसके जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे उसके बाद चारों तरफ से सिलाई लगा के लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है और अभी इसको हम फ्रंट पार्ट के साथ स्टिच करेंगे तो इसके लिए भी देखिए सीधी साइड से रखा है कपड़े को और यहाँ पे हमें और यहाँ पे हमें स्ट्रिप को अटैच करना है तो इस तरह से रख लेंगे इसे भी यहाँ पे हम पिन से फिक्स कर लेते हैं दूसरी साइड की स्ट्रिप को भी इसी तरह से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और इसके बाद लाइनिंग को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ होल से होते हुए नेक और दूसरे आर्म होल तक सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई मैंने लगा ली है अभी देखिए छोटे छोटे से यहाँ कट्स बना लेंगे जिससे ये नीटली सीधी साइड में टर्न हो जाए और उसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे तो इस तरह से देखिए ये मैंने टर्न कर लिया है इसमें भी चारों तरफ से सिलाई लगा के लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ स्टिच कर लेंगे तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है इसके बाद हम इसके फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे चेस्ट का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है वेस्ट का भी सेंटर मार्क कर लेना है अब सेंटर से एक साइड हमें वेस्ट का चौथाई हिस्सा वन फोर्थ और दूसरी साइड भी इसका वन फोर्थ मार्क कर लेना है यहाँ पे चेस्ट का वन फोर्थ मार्क कर लेना है और इस तरह से मिला लेंगे और इसी लाइन पे हम सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई मैंने लगा ली है अभी टॉप पार्ट रेडी है इसके बाद हम इसका बॉटम इसमें अटैच करेंगे तो बॉटम में भी दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे ओपन वाली साइड जो है तो इसके लिए इसका सेंटर मार्क कर लेंगे यहाँ से सेंटर पे निशान बना लेंगे इसका भी सेंटर मार्क कर लेंगे इसके बाद यहाँ से नाप के देख लेते हैं बिल्कुल बराबर से रखते हुए अब साइड में जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे सिलाई लगा लेंगे वहाँ से इस तरह से रखते हुए यहाँ निशान लगा लिया और अभी इस निशान से नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे दूसरी साइड भी इस निशान से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद इसके घेर में भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई मैंने लगा ली है अभी वेस्ट से हम इसे अटैच करेंगे तो इस तरह से रखना है और वेस्ट से इसे पकड़ते हुए इस तरह से देखिए दोनों साइड की सिलाई एक साथ आनी चाहिए इस तरह से रखते हुए वेस्ट में हम सिलाई लगा लेंगे तो ये ड्रेस बनके हमारी तैयार है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा थैंक यू